हेलो दोस्तों, आज के समय में स्मार्टफोन का इस्तेमाल कौन नहीं करता है। लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं रोजाना अपनी डेली लाइफ में। तो ऐसे में आपको पता ही होगा स्मार्टफोन में बैटरी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पांच ऐसे कॉमन मिस्टेक यानी पांच ऐसी गलतियों के बारे में जो हम रोजाना करते हैं अपनी डेली लाइफ में मोबाइल फोन को चार्ज करते वक्त, जिससे हमारी मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो जल्दी से खराब हो जाती है या मोबाइल फोन की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी लो हो जाती है। तो ये पांच गलतियां कौन सी है इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और स्वागत है हमारे कंप्लीटली राइट चैनल में। नंबर वन मिस्टेक, मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते वक्त इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, शायद आपने देखा होगा जब भी हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से कुछ समय बाद आपका मोबाइल हीट यानी गर्म होने स्टार्ट हो जाता है, गर्म होने लगता है, जिससे आपकी मोबाइल की जो बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो आपकी मोबाइल की बैटरी है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ पर आप 2 से 4 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपकी बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी या जो आपकी जो मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी लो हो जाएगी। तो ये मिस्टेक आप ना करें। नंबर टू मिस्टेक, मोबाइल में बैटरी सेवर ऐप को इंस्टॉल करना। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अपने मोबाइल में बैटरी को सेव करने के लिए या मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए तरह तरह की बैटरी सेवर ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जिनसे आपको ये लगता है कि ये ऐप आपकी बैटरी को सेव कर रहे हैं और आपके मोबाइल को फास्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपके बैटरी डाटा को ऑफ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, लेकिन ये आप बिना एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपके डेटा को कंज्यूम करते हैं और साथ ही साथ आपकी बैटरी को भी कंज्यूम करते हैं। तो ये मिस्टेक आप ना करें, ये गलतफहमी में आप ना रहें कि इनसे आपकी मोबाइल की जो बैटरी है सेव होती है और आपकी जो मोबाइल है वो फास्ट चार्ज होता है। नंबर थ्री मिस्टेक, अपने मोबाइल को कंपनी के चार्जर से ही चार्ज करना। दोस्तों, हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं, लगभग सभी लोग ये गलती करते हैं। शायद आपने देखा हो जब भी हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी कंपनी के चार्जर से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक आप ना करें, मोबाइल की बैटरी लाइफ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा यानी आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो खराब हो सकती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कोई भी कंपनी अपनी बैटरी मोबाइल की बैटरी के हिसाब से ही चार्जर को रेडी करता है कि उसमें कितना वोल्ट जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आप किसी दूसरी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो अगर ज़्यादा वोल्ट होगा तो आपकी बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये मिस्टेक आप ना करें। नंबर फोर मिस्टेक, अपने मोबाइल फोन को रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ देना। दोस्तों, हम में से ये काफ़ी लोग गलती करते हैं, अपने मोबाइल को 100% चार्ज करने के लिए हम अपने मोबाइल को रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं। तो ये मिस्टेक आप ना करें। दोस्तों, ऐसा इसलिए अगर आप अपने मोबाइल को रात में चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं तो ऐसे आपके मोबाइल पर ओवर चार्जिंग हो सकती है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी है वो जल्दी खराब हो सकती है। तो ये मिस्टेक आप ना करें। नंबर फाइव मिस्टेक, अपने नकली एंड सस्ते चार्जर का इस्तेमाल करना। दोस्तों, हमें से ये काफ़ी लोग गलती करते हैं, ओरिजिनल चार्जर खराब हो जाने के बाद हम नकली एंड सस्ते चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो नकली एंड सस्ते चार्जर को बनाती है वो किसी भी सेफ्टी को ध्यान में रखकर नहीं बनाती कि इसमें कितना इनपुट वोल्ट जाना चाहिए, कितना आउटपुट वोल्ट जाना चाहिए, तो जिससे आपके चार्जर एडप्टर पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिससे आपका मोबाइल भी खराब हो सकता है। तो ये मिस्टेक आप ना करें। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम रोजाना अपनी डेली लाइफ में करते हैं मोबाइल फोन को चार्ज करते हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।